तो सबसे पहले हमको कुछ कॉन्सेप्ट्स समझने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसा कि आपने पूछा था कि अब हम हर पेज पे अलग अलग क्वेश्चंस कैसे पॉपुलेट करें विदाउट क्रिएटिंग न्यू पेजेस फॉर एवरी क्वेश्चन, राइट? सो ऑटोमेटिकली कैसे होगा ये, है ना? तो उसके लिए उतना सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। इसके लिए हम लोग को कुछ इसमें ब्लॉक्स में लॉजिक बनाना पड़ेगा, ठीक है? जिसके लिए हम लोग को कुछ कोर इसके फंक्शंस की हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि एक तो होता है सबसे पहले वेरिएबल्स, ठीक है? वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद फिर हमें कुछ कंट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ लॉजिक लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, एक मैथ की ज़रूरत पड़ेगी और फंक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? तो अब हम लोग देखते हैं पहले कि ये सारी चीज़ें क्या होती है, ठीक है? इन सब के बिना हम डायरेक्टली डिज़ाइन से वो हर एक स्क्रीन के क्वेश्चंस हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? तो आपको प्रोग्रामिंग नहीं करनी है, ठीक है? बट उसके कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, ठीक है? जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, कि एक बार में अगर आपको सारा प्रोजेक्ट अगर वैसे बताया जाएगा तो काफ़ी कन्फ्यूजन होगी, ठीक है? तो सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहला चीज़ होता है वेरिएबल्स, ठीक है? तो वेरिएबल्स में भी आपका प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड है तो आपने सुना होगा वेरिएबल्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है? और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि बटन्स कैसे काम करते हैं, ठीक है? ओके, तो सबसे पहले देखते हैं हम वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो वेरिएबल्स आर लाइक, समझ लीजिए कि एक बॉक्स है, ठीक है? एक बॉक्स है, इस बॉक्स का हम नाम कुछ देते हैं, ठीक है? लेट्स से हम इस बॉक्स का नाम देते हैं ए, ठीक है? एक तो इसका नाम हो जाता है और दूसरा इस बॉक्स के अंदर कुछ स्पेस होता है, ठीक है? अब इस स्पेस के अंदर हम लोग क्या कुछ वैल्यूज़ डाल सकते हैं। ये वैल्यूज़ आपके नंबर्स भी हो सकते हैं, वैल्यूज़ टेक्स्ट भी हो सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो हम वेरिएबल्स यूज़ करेंगे उसमें ज़्यादातर नंबर रखेंगे, ठीक है? ज़ीरो या फिर वन, ओके, या फिर टू, ओके। और वेरिएबल के जो वैल्यूज़ होते हैं वो हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है? वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो सकते हैं, वन की जगह आपका टू आ सकता है, फिर टू को इंक्रीज़ करके हम थ्री कर सकते हैं, और इस तरह से हम इसका नंबर और वैल्यूज़ जो है वेरिएबल्स के इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो अब वेरिएबल का दो पार्ट हुआ, एक तो इसका वैल्यू हो गया, ठीक है? सो द फर्स्ट थिंग इज वैल्यू, ठीक है? वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, ठीक है? वैल्यू ऑफ वेरिएबल। और दूसरा पार्ट है आपका नाम, उस वेरिएबल का नाम क्या है, ठीक है? ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ है वेरिएबल के लिए, नेम ऑफ वेरिएबल, ठीक है? ये दोनों चीज़ों से हम वेरिएबल का बिहेवियर जो है कंट्रोल करते हैं, ठीक है? क्योंकि वेरिएबल एक से ज़्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं, ठीक है? अभी हमारे पास दो तीन वेरिएबल रहेंगे यहाँ पे, जिससे पर हमको पता कैसे चलेगा हम किस वेरिएबल की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि हम किस वेरिएबल की बात कर रहे हैं, उसके लिए हम वेरिएबल का एक नाम डालते हैं, ठीक है? और उसका वैल्यू चेंज करने के लिए एक उसका वैल्यू होता है, ठीक है? जिसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो वेरिएबल इसीलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इसकी वैल्यूज़ जो है चेंज हो सकती है, यानी वेरी हो सकती है, तो इसीलिए इसको वेरिएबल कहा जाता है। ओके ओके, अब ये तो हो गई वेरिएबल। अब दूसरी चीज़ होती है फंक्शंस, ठीक है? अब फंक्शंस में क्या होता है? फंक्शंस आर समथिंग, जैसे कि आप समझ लीजिए कि कोई आपका एक हेल्पर है, ठीक है? या कोई फ्रेंड है जिसको आप कुछ काम बोल रहे हो और वो कर रहा है, ठीक है? तो उस तरह का जो हेल्पर होता है या हमारा फ्रेंड होता है उसको हम फंक्शन बोलते हैं। तो अगर आपको कंप्यूटर में या फिर यहाँ पे हम लोग थंकेबल में अगर हमको कुछ करना है, कुछ कुछ एग्जीक्यूट कराना है कुछ, तो उसको कौन करेगा? वो फंक्शंस करता है, ठीक है? जैसे हम लोग कोई मान लो वेरिएबल है, हमारे पास एक वेरिएबल थी, ठीक है? तो वेरिएबल लेट्स से इस वेरिएबल का नाम है ए, ठीक है? और इसकी वैल्यू इनिशियली मेरा ज़ीरो है, ठीक है? और हाँ, वेरिएबल के में एक और चीज़ होती है, इसके वैल्यूज़ इनिशियलाइज करते हैं हम, ठीक है? यानी जब वेरिएबल बनाते हैं, जैसे ए नाम की वेरिएबल मैंने बनाई तो एक इनिशियल वैल्यू इसका डालना पड़ता है, तो यहाँ पे हम इनिशियल वैल्यू इसका ज़ीरो डालें, ठीक है? और इस वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं जैसे कि मैंने बताया, ठीक है? तो अब
अब फंक्शन क्या करेगा, लेट से अगर हमको इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज करानी है तो वो कौन करेगा, फंक्शन करेगा। ठीक है, अब फंक्शन क्या होता है, जैसे एक समझ लीजिए कि कोड ही रहता है, बैकएंड में एक कोड रहता है, और इस फंक्शन का भी एक नाम होता है। ठीक है, इस फंक्शन का भी एक नाम होता है, ठीक है, जैसे जिसको हम फंक्शन नेम भी बोल सकते हैं। ठीक है, फंक्शन का एक नाम होता है और उसका कुछ काम भी होता है, ठीक है, जो उसको करने पड़ता है। ठीक है, जब भी हम फंक्शन को बुलाएंगे या फिर फंक्शन नेम को हम एग्जीक्यूट कराएंगे, फंक्शन नेम से उसको बुला सकते हैं, तो वो एक सीरीज ऑफ कोड होता है या फिर कुछ स्टेप्स होते हैं जो एग्जीक्यूट करेगा। कोड नहीं बोलते हैं अभी, हम स्टेप्स बोलते हैं। ठीक है, तो एक कुछ स्टेप्स हो गए जो वो एग्जीक्यूट करेगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्टेप वन। सो फर्स्ट स्टेप में लेट से हम चाहते हैं कि इंक्रीज वेरिएबल ए बाई वन। ठीक है, तो ए का वैल्यू अभी 0 है तो इसको आप 1 कर दीजिए। ठीक है, दैट इज स्टेप वन। लेट से हमारे पास एक वेरिएबल ए है और एक वेरिएबल बी भी है। ठीक है, एक और वेरिएबल हम बनाते हैं जिसको हम वी डिनोट करते हैं। ठीक है, लेट से हम इसको कहते हैं, सॉरी, इसको हम बोल देते हैं कि इसका नाम बी है। ठीक है, इसका वैल्यू 1 रखते हैं। ठीक है, या फिर हम इसका प्रॉपर नेमिंग ही कर देते हैं, चलिए। ठीक है, तो इसका ये जो फर्स्ट वेरिएबल है, तो इस फर्स्ट वेरिएबल में मेरा क्या रहेगा कि लेट से हमको अगर कोई क्वेश्चन आंसर का अगर हमको ऐप बनाना है तो उसके में हमको दो तरह के वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। पहला तो कि जो यूज़र है उसका स्कोर क्या है। ठीक है, लेट से उसने एक आंसर किया करेक्ट, दो आंसर करेक्ट किया, तो उसका स्कोर हो जाएगा 2। तो इसी तरह से हम उस वेरिएबल में स्कोर को स्टोर करेंगे। ठीक है, तो मान लो हम एक वेरिएबल बनाते हैं, पहला वेरिएबल जिसको हम नाम देते हैं स्कोर। ठीक है, तो ये फर्स्ट वेरिएबल मेरा है स्कोर। ठीक है, और सेकंड वेरिएबल मेरा है, जैसे कि इसको हम कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर। ठीक है, जैसे कि हमको क्वेश्चन नंबर हमारा चेंज करना है, करेक्ट, हर 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 शीट में एक नया क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, तो एक जो हम एक्सेल शीट जो बनाएंगे उस वो कुछ इस तरह का होना चाहिए। तो जो हमारा स्प्रेडशीट बनेगा उसमें हम जैसे करेक्ट आंसर्स, एक कॉलम में करेक्ट आंसर्स रखेंगे, ठीक है, एक कॉलम में क्वेश्चंस रखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि ये मेरा क्वेश्चन है फॉर्मूला ऑफ वाटर या फिर कलर ऑफ वाटर, ये सारे मेरे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और चार को अलग अलग कॉलम में अलग अलग ऑप्शंस रखेंगे। ठीक है, हर एक कॉलम में अलग ऑप्शन होगा, हम एक साथ नहीं डालेंगे, कॉमा सेपरेट करके वैसे नहीं डालेंगे, हर एक कॉलम में अलग अलग ऑप्शन डालेंगे। ठीक है, और लास्ट कॉलम में हम करेक्ट आंसर रखेंगे सेव करके। ठीक है, और ये जो रो है, एक एक रो का जो वैल्यू है वो हम रो का नंबर जो है वो हम चेंज करेंगे। ठीक है, जो कि क्वेश्चन नंबर होगा, जो कि क्वेश्चन नंबर होगा, तो क्वेश्चन नंबर मेरा चेंज होगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे एक और हम कॉलम को देते हैं, ये हो जाएगा मेरा क्वेश्चन नंबर, लेट्स से क्वेश्चन नंबर। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर सबसे पहला 1 होगा, फिर दूसरा 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, और ये 5 होगा। अच्छा, हमारे पास 5 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर का जो वैल्यू है वो हम चेंज करेंगे 1 बाय 1। ठीक है, और वो चेंज कौन करेगा, वो मेरा फंक्शन करेगा। ठीक है, जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो जो क्वेश्चन नंबर का वैल्यू है वो चेंज करेगा। ठीक है, और इसका आउटपुट हम रख लेंगे कहीं पे सेव करके स्कोर। ठीक है, स्कोर का भी एक वेरिएबल बनाएंगे जिसकी वैल्यू हम इससे यहाँ पे सेव कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा स्कोर रहेगा। ठीक है, इससे यहाँ मेरा स्कोर रहेगा, यहाँ पे मेरे क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो ये दोनों मेरा वेरिएबल होगा। ठीक है, ये दोनों मेरे वेरिएबल्स आएंगे, ये और एक ये, तो ये दोनों वेरिएबल रहेंगे। क्वेश्चन नंबर के वैल्यूज यहाँ पर रहेंगे, ये सारे वैल्यूज रहेंगे 1 बाय 1, हम इसको इंक्रीज करेंगे। ठीक है, और इवन स्कोर को, जो स्कोर स्टार्टिंग में हम इनिशियलाइज करेंगे स्कोर वेरिएबल को 0 से करेंगे। ठीक है, और जैसे ही वो जो यूजर है वो कुछ कुछ अगर करेक्ट आंसर देता जाएगा तो स्कोर को भी हम क्यों इंक्रीज करना पड़ेगा 1 बाय 1। ठीक है, अगर आप 1 पॉइंट देना चाहते हैं तो 1 से इंक्रीज करें, अगर आप उसको हर क्वेश्चन के 10 पॉइंट देना चाहते हैं तो इसको 10 से इंक्रीज करें। ठीक है, तो इस तरह से हमको करना है। ओके, तो एक वेरिएबल मेरा स्कोर हो गया और दूसरा वेरिएबल जो है हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर। ठीक
तो दो वेरिएबल मेरे हो गए, ठीक है। अब ये जो फंक्शन मेरा है, तो ये फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज, एक फंक्शन हम बनाते हैं जो कि हमारा स्कोर इंक्रीज करेगा, लेट्स से इंक्रीज द स्कोर बाय 1 और 10, जो भी आप करना चाहते हैं। अगर आप 10 नंबर देना चाहते हैं तो 10 से इंक्रीज करें, एक नंबर देना चाहते हैं तो एक से इंक्रीज करें, ठीक है। तो ये एक फंक्शन है। अब एक फंक्शन जो है दो काम भी कर सकता है, अगर आप चाहें तो दो फंक्शन अलग अलग बना सकते हैं। ये फंक्शन का नाम हम कर देते हैं लेट्स से स्कोर इंक्रीज फंक्शन, ठीक है। तो ये फंक्शन मेरा स्कोर इंक्रीज करेगा, ठीक है। और एक और हम फंक्शन बना लेते हैं आपके लिए कन्वीनियंस के लिए, कि हम दो अलग अलग फंक्शन बना लेते हैं। ये फंक्शन क्या करेगा मेरा, ये फंक्शन करेगा क्वेश्चन नंबर को इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंक्रीज कर देते हैं, इसका नाम दे देते हैं इंक्रीज क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जैसे भी आप देना चाहें, ठीक है। ये मेरा एक और फंक्शन यहाँ पे हम इसमें बनाएंगे, ओके ठीक है। तो ये दो फंक्शन हो गए। अब इस फंक्शन को, अच्छा इसमें हमने कुछ काम इसका नहीं दिया है, तो इसको भी हम कुछ काम दे देते हैं। तो इंक्रीज क्वेश्चन नंबर, तो ये जो मेरा वेरिएबल है इसको ये इंक्रीज कर देगा 1 बाय 1, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कि यू डू इंक्रीज क्वेश्चन नंबर बाय 1, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर को हम इनिशियलाइज करेंगे, यानी फर्स्ट वैल्यू जो इसकी देंगे हम वो 1 देंगे, क्योंकि 0 क्वेश्चन तो कुछ है नहीं यहाँ पे। जैसे कि आप स्प्रेडशीट में देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर तो फर्स्ट पहला जो है उसको पहला बोलेंगे ना, ये 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे हम, ये 1 से करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इनिशियलाइज क्वेश्चन नंबर की जो फर्स्ट वैल्यू भी होगी वो भी 1 होगी, ठीक है। इसके अलावा और भी हम कुछ फंक्शंस बनाएंगे जिसका कुछ अलग काम होगा, ठीक है। और भी हम क्वेश्चंस बनाएंगे, फंक्शंस बनाएंगे, जैसे कि अब हम क्या करेंगे कि जैसे हमारे ऐप में क्वेश्चन अगर किसी ने सही जवाब दिया, ठीक है, या फिर गलत जवाब भी दिया, तो जो सही आंसर है, जैसे कि सही है, जैसे हमारा सही ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का सही ऑप्शन है 4th, यानी कि H2O, ठीक है, ये सही ऑप्शन है। तो जैसे ही अगर लेट से ये 4 ऑप्शन रहेंगे उसके पास, तो अगर उसने सही आंसर पे क्लिक किया तो जो ये सही आंसर है वो मेरा ग्रीन हाईलाइट हो जाएगा, ताकि उसको पता चले कि ये सही आंसर है, ठीक है। और बाकी सारे आंसर जो है इसको हम रेड हाईलाइट कर सकते हैं, ताकि पता चले कि ये रेड रेड है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो भी फंक्शन करेगा, ठीक है। तो हम एक और फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, एक और फंक्शन मेरा बन जाएगा जिसको हम बोलेंगे कि हाईलाइट राइट एंड रॉन्ग आंसर्स या ऑप्शंस, ठीक है, या फिर हाईलाइट राइट ऑप्शन ग्रीन एंड रॉन्ग आंसर रॉन्ग ऑप्शंस रेड, ठीक है। तो ये भी फंक्शन कर सकता है। ठीक है, ये मेरा दूसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इस फंक्शन को भी हम कुछ नाम दे देंगे, जैसे कि हाईलाइट फंक्शन में भी हाईलाइट, ठीक है, इस फंक्शन को हम बोलेंगे, इसका नाम है हाईलाइट, ठीक है। अब बटन का क्या काम होता है यहाँ पे, ठीक है, बटन का काम यह होता है कि बटन से यूजर जो है इंटरेक्ट करता है, ठीक है। जैसे आपके ऐप में एक स्क्रीन है, ठीक है, स्क्रीन में आपके कुछ एक लेबल रहेगा, ठीक
ठीक है, उस लेबल में आप क्वेश्चन पॉपुलेट कराओगे, ठीक है। वो कैसे पॉपुलेट कराना वो हम देखेंगे। तो ये क्वेश्चन रहेगा जैसे कि वी फॉर्मूला ऑफ वाटर, ठीक है, ऑफ वाटर। इसको हम डायनेमिकली चेंज कराएंगे, यानी कि ऑटोमेटिक चेंज कराएंगे, ये हम ऐसे लेबल जैसे प्रिंट नहीं करेंगे, ठीक है। बट वो कैसे करना है हम देखेंगे। बट अभी के लिए जैसे आपके पास एक क्वेश्चन रहेगा और कुछ बटन्स रहेंगे, चार बटन्स रहेंगे, ठीक है, जिसमें आप इसको आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। कंट्रोल वी से आप पेस्ट करते जाओ, चार ऑप्शन बन जाएंगे मेरे, ठीक है। इसको हम नाम दे देंगे ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, ठीक है। तो ये बटन का काम क्या होता है, अब जैसे यूजर को अगर बताना है कि भाई सही आंसर क्या है, जैसे फॉर्मूला ऑफ वाटर फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन रहेगा लेट्स से NaCl है, ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन हुआ। इसी तरह सेकंड ऑप्शन रहेगा, सेकंड ऑप्शन मान लो अगर सही सही आंसर है, ठीक है, H2O इज द राइट आंसर, ठीक है। तो फॉर्मूला की जगह हम केमिकल फॉर्मूला लिख देते हैं, दैट विल बी मोर अप्रोप्रिएट, केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन H2O है, सेकंड थर्ड ऑप्शन कुछ होगा, फोर्थ ऑप्शन कुछ होगा, ठीक है। अगर लेट्स से यूजर को बताना है कि सही आंसर क्या है और उसने, तो वो कैसे बताएगा, वो तो यूजर इस पे क्लिक करेगा ना। तो बटन पे जब क्लिक होता है तो फिर क्या होता है, बटन से रिलेटेड फंक्शंस होते हैं। जैसे ही बटन पे वो क्लिक करेगा, अभी जैसे आप बटन 2 पे हाईलाइट करो तो यहाँ पे आपके कुछ फंक्शंस आ जाते हैं, ठीक है। तो फंक्शन से हम लोग काम करा सकते हैं, ठीक है। तो जब बटन क्लिक होगा तो बटन क्या करता है, फंक्शन को कॉल करता है, ठीक है। तो बटन से अगर लेट से उसने करेक्ट आंसर दिया तो हम लोग इंक्रीज कराएंगे स्कोर बाय 1, ठीक है। और बटन पे जब उसने क्लिक किया ऑप्शन, तो ओके हम एक स्टेप पीछे आते हैं। अब मेरे पास बटन कुछ कुछ लेट से चार बटन से, ठीक है, यहाँ पे एक बटन है, ओप्स, बटन 1, इसको, ठीक है, ये बटन हमारा 2, बटन 3 और एक बटन 4, ठीक है, हमारे पास चार बटन थे, ठीक है। चार बटन से, ओके। तो जैसे बटन 1 पे क्लिक करेंगे हम, या फिर यूजर जब बटन 1 पे क्लिक करेगा, तो यहाँ पे हम एक थोड़ा सा लॉजिक लिखेंगे, और इसको एक्चुअली डिनोट किया जाता है इस तरह से, ये कंडीशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि जो 1 ऑप्शन है, क्या 1 ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है, वो हम यहाँ पे इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। तो इसको बोलेंगे Is 1 करेक्ट, तो ये मेरा यहाँ पे चेक करेगा कि क्या 1 जो है वो करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। तो हम इसको ज्वाइन करेंगे ऐसे, जैसे ही यूजर 1 पे क्लिक करेगा तो वो चेक करेगा क्या 1 करेक्ट है। अगर आप 1 करेक्ट है तो स्कोर को इंक्रीज कर दे 1 से, और इसके अलावा आप हाईलाइट कर दो, ये तो करना ही है, कि आप राइट राइट ऑप्शन को आप ग्रीन कर दो, रॉन्ग ऑप्शन को आप रेड कर दो, ठीक है। और तीसरा चीज़ आप क्या करो कि आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाओ, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन को पॉपुलेट करो, ठीक है। एक क्वेश्चन हो गया, उसके बाद फिर आप सेकंड क्वेश्चन पे चले जाओ, तो ये तीनों फंक्शन को एक बटन कॉल कर सकता है, ठीक है। अगर आपका रॉन्ग आंसर है, लेट्स से अगर आपका जो जवाब गलत हो गया, ठीक है, ये सारा ट्रू है, ट्रू यानी कि राइट, तो यहाँ पे लेट्स से दिस इज ट्रू, दिस इज द पाथ फॉर ट्रू। तो अगर ट्रू हुआ तो ये सारा पाथ हुआ, इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, तो अगर आपका ट्रू हुआ तो आप पहला काम ये करो, दूसरा काम ये करो,
और तीसरा काम जो है आप यहाँ पे, ठीक तो ये साइड जो है आपका ट्रू साइड है, ठीक है। इट्स लाइक अ फ्लो डायग्राम, एक सिंपल फ्लो डायग्राम है। अगर आपका फर्स्ट आंसर जो है रॉन्ग है, ठीक है, अगर फर्स्ट आंसर रॉन्ग है तो आप ये सारे काम करो, आप स्कोर तो इंक्रीज मत करो, ठीक है, बट सही आंसर तो आप बताना पड़ेगा ना कि ये सही आंसर है। अगर आपको बताना है तो आप बता सकते हैं। तो ये सेकंड जो फंक्शन है उसको आप फिर भी कॉल करो, ठीक है, हाईलाइट द राइट ऑप्शन ग्रीन एंड द रॉन्ग ऑप्शन रेड, बट आप स्कोर इंक्रीज मत करो, ठीक है। तो हाईलाइट फंक्शन को हम कॉल करेंगे, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर को भी इंक्रीज करेंगे ताकि यूजर जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सके, ठीक है, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर सके, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से हम बटन वन का वायरिंग ऐसा किया, फिर बटन टू का भी सेम वायरिंग करेंगे, इसको भी हम सेम लॉजिक में ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बटन टू हो जाएगा, बटन वन की जगह ये वेरिएबल जो है ये एक वेरिएबल रहेगा जिसकी वैल्यू हम चेंज कर पाएंगे, तो वन की जगह वो टू चेक करेगा। जब टू बटन को कॉल करेंगे तो टू बट टू को चेक करेगा कि सेकेंड ऑप्शन जो है क्या वो करेक्ट है। अगर उस तरह से सेम सेम लॉजिक फिर यहाँ पर काम करेगा। सेम चीज़ आप थ्री के साथ भी करोगे, सेम चीज़ आप फोर के साथ भी करोगे। ठीक है, तो ये एक सिंपल इस तरह का हम लोग एप्लीकेशन बनाएंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं तो वो इतना सिंपल नहीं है कि आप बस ऐप के डिज़ाइन से ही आप सब कुछ कंट्रोल नहीं कर पाओगे कि कौन सा ऑप्शन पॉपुलेट करना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है और स्कोर क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप डायरेक्ट यहाँ से यूआई से नहीं कर सकते, आपको उसके लिए ब्लॉक्स में जाके यहाँ पे लॉजिक बनाना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो ब्लॉक है यहाँ पे सेकेंड जो ब्लॉक है ये इसका बैकएंड पार्ट है, यानी जो भी फॉर्मूला लिखेंगे या कमांड लिखेंगे या फंक्शन लिखेंगे या वेरिएबल्स बनाएंगे वो सब कुछ यहाँ से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम फंक्शंस के, फंक्शंस और वेरिएबल। सबसे पहले हम वेरिएबल्स देखते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे ब्लॉक में आओ, ठीक है, और वेरिएबल पे क्लिक करो, यहाँ वेरिएबल्स पे क्लिक करो, ठीक है। तो यहाँ पे द फर्स्ट ऑप्शन दैट यू सी इज इनिशियलाइज ऐप वेरिएबल नेम टू समथिंग, इसके बाद ये ब्लैंक है ना, यहाँ पे ब्लैंक है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इनिशियलाइज यानी कि फर्स्ट 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 वैल्यू जो है वेरिएबल की और उसका नाम, ठीक है। तो इनिशियलाइजेशन जो स्टेप होता है, लेट्स से हम एक नया, ठीक है, तो जब वेरिएबल हम बनाते हैं सबसे पहला, जैसे मेरा एक वेरिएबल बनेगा, ठीक है, तो वेरिएबल में हम लेट्स से वेरिएबल है मेरा स्कोर, सो दिस इज स्कोर वेरिएबल लेट्स से, ठीक है, जिसमें हम स्कोर रखेंगे, ठीक है। अब स्कोर वेरिएबल में हम दो चीज रखें, एक तो इसका नाम हो गया जो स्कोर है और एक इसकी वैल्यू होगी, ठीक है, एक उसकी वैल्यू होगी। तो जैसे ही जब फर्स्ट टाइम हम वेरिएबल बनाएंगे तो इसका नाम हम देंगे कि नाम क्या होगा और उसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, वो दोनों हमको देना पड़ेगा। लेट्स से स्कोर फर्स्ट तो जीरो रहेगा, शुरू से हम वन वन वैल्यू नहीं देंगे उसको, तो एक जीरो रहेगा। तो ये जो प्रोसेस होता है, जो फर्स्ट स्टेप जो होता है, ये जो पहली बार जो हम करते हैं इसको हम इनिशियलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो ये वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन होता है, यानी इनिशियलाइजेशन में हम उसका नाम डालते हैं और उसका वैल्यू डालते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी है कि जो फर्स्ट स्टेप है आप देखो इनिशियलाइजेशन है, इनिशियलाइज द ऐप वेरिएबल। आप इस ऐप पार्ट को अभी के लिए इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या है ना कि आप ऐप की जगह आप दूसरे जगह भी वेरिएबल बना सकते हो, बट एज ऑफ नाउ हम लोग सिर्फ ऐप को ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो वेरिएबल, ठीक है, तो फर्स्ट वेरिएबल हम इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियलाइज करने के लिए आपको क्या करना है, वेरिएबल्स पे क्लिक करो तो आपको सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन आप इनिशियलाइज कर लो, जब आप फिर पहली बार वेरिएबल बना रहे हो तो ऐसा करो, फिर इसको ड्रैग करके जब आप स्क्रीन पे ये कैनवस पे, इसको कैनवस बोलते हैं, जो भी हमारा जो एरिया है जहाँ पे हम सारी लॉजिक्स लिखते हैं, तो इस तरह का हमको फ्लो बनाना है बेसिकली। ये जो लॉजिक हम जो भी लिखेंगे इस तरह का हम फ्लो बनाना है, बट इन द फॉर्म ऑफ ये थंकेबल के जो लॉजिक्स और कंट्रोल है इसको यूज करके हमको इस तरह का कुछ फ्लो बनाना है, ठीक है। इट्स इट्स एज इट विल बी ऑलमोस्ट एज सिंपल एज जस्ट क्रिएटिंग वेरिएबल्स एंड राइटिंग फंक्शंस एंड जस्ट वायरिंग, ठीक है, बट उसका फॉर्मेट थोड़ा अलग है यहाँ पे,
तो उसको हमको समझना पड़ेगा कि कहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कौन से ऑप्शन से क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो वेरिएबल था, तो अब वेरिएबल ये पार्ट को अभी इग्नोर कर दो ऐप को। तो इनिशियलाइज वेरिएबल नेम, तो यहाँ पे आप नाम डाल दो, तो इस नाम को हम रख देते हैं लेट्स से स्कोर। ठीक है, तो ये मेरा स्कोर वेरिएबल बन जाएगा। अब इनिशियलाइजेशन का एक चीज़ और होता है, हम क्या क्या करते हैं इनिशियलाइजेशन में, पहले तो उसका नाम हमने डाल दिया, उसके बाद फिर उसका एक इनिशियल वैल्यू डालते हैं। ठीक है, इस इनिशियल वैल्यू को आपको कुछ नंबर डालना है ना, तो नंबर डालना है तो आप मैथ में आओ। ठीक है, यहाँ पे मैथ है तो उस मैथ में आओ। अगर आपको टेक्स्ट डालना होता है लेट्स से स्कोर में, अगर आपको कुछ और डालना होता, ठीक है लेट्स से कुछ कुछ टेक्स्ट डालना होता, ठीक है, तो वो टेक्स्ट को हम कहाँ से लेते हैं, यहाँ से। ठीक है, तो टेक्स्ट में हम हेलो डालते हैं, वर्ल्ड डालते हैं, या कुछ भी टेक्स्ट हम यहाँ से डाल सकते थे, जिससे हम इनिशियलाइज कर देते हैं स्कोर को टेक्स्ट वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे हम डालते हैं और फिर इनिशियलाइज द फर्स्ट वैल्यू तो टू समथिंग लाइक फर्स्ट वैल्यू, मे बी फर्स्ट वैल्यू, तो मेरा वेरिएबल बन जाता और इसका पहला वैल्यू क्या आ जाता, ये जीरो नहीं होता, स्कोर वेरिएबल मेरा बनता और उसका पहला वैल्यू जो है आ जाता ऐसा फर्स्ट वैल्यू, ये ऐसा वेरिएबल बनता मेरा। ठीक है, बट हमको स्कोर में नंबर डालना है तो इसलिए हम इसको ऐसा नहीं करेंगे, हम इसमें नंबर ही डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम जीरो डालें। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग मैथ में आएंगे, हम लोग ये स्ट्रिंग नहीं लेंगे, टेक्स्ट में नहीं आएंगे, तो इसको हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। डिलीट बटन जो है उसे आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे मैथ लेंगे, तो मैथ क्लिक करेंगे तो मुझे बहुत सारी चीज़ें आ रही है अभी, अभी के लिए हम सिर्फ फर्स्ट देखते हैं। तो फर्स्ट में क्या है, एक पजल का ब्लॉक है, इस पजल ब्लॉक तो आप अगर देखो तो ये इट्स जस्ट लाइक कनेक्टिंग पजल्स। ठीक है, आप पजल को बस एक दूसरे से कनेक्ट करते हो ना, तो उसी तरह से आप यहाँ पे ड्रैग करके इसको ड्रॉप करोगे तो पजल जैसा ये ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, और इसके चारों तरफ आप देख रहे हो एक ऑरेंज लाइन बनी हुई है, यानी कि मेरा ये जो ब्लॉक है सेकंड ब्लॉक, ये हाईलाइटेड है। अभी अगर हम फर्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखो ये ऑरेंज ब्लॉक जो है इसके चारों तरफ बन गई है, यानी ये हाईलाइटेड है। अगर हम डिलीट क्लिक करेंगे तो ये डिलीट होगा, यहाँ पे अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो ये हाईलाइटेड है, अभी डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ड्रैग करेंगे और यहाँ पे ड्रॉप। तो इनिशियल वैल्यू हम स्कोर की जीरो भी रख सकते हैं, मेरी मर्जी, अगर हम चाहें तो वन भी रख सकते हैं। तो हम एक सेकेंड वेरिएबल बनाएंगे जिसका वैल्यू हम वन रखेंगे, उसका नाम होगा क्वेश्चन नंबर। तो हम एक और वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम वेरिएबल ले लेंगे इनिशियलाइज ऐप वेरिएबल, और सेकेंड वेरिएबल का हम यहाँ पे रख लेते हैं, सेकेंड वेरिएबल बना देते हैं इसको क्वेश्चन नंबर। ठीक है, और इसकी वैल्यू भी हम नंबर ही रखेंगे, तो इसलिए हम मैथ में जाएंगे फिर से मैथ में, और ये जीरो से उठा के यहाँ पे यहाँ डाल देंगे, और इसकी फर्स्ट वैल्यू जो जीरो नहीं रखेंगे, इसको वन रखेंगे। ठीक है, तो मेरा दो वेरिएबल बन गया। ठीक है, एक वेरिएबल का, एक वेरिएबल स्कोर हो गया, एक हो गया क्वेश्चन नंबर। ठीक है, और इसका वैल्यू जीरो हो गया, इसका वैल्यू वन हो गया। ठीक है, तो दो वेरिएबल मेरा रेडी हो गया। ठीक है, इस तरह से हम वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, अब फिर फंक्शंस कैसे बनाते हैं, तो फंक्शंस के लिए आप फंक्शन में आओ। ठीक है, और अब जैसे ही देख रहे हो यहाँ फंक्शन में क्या लिखा हुआ है कि टू डू समथिंग, यानी फंक्शन क्या करता है, मेरा कुछ काम करता है। ठीक है, आपको उससे कुछ काम लेना है, जैसे स्कोर की वैल्यू इंक्रीज करना है या क्वेश्चन नंबर की वैल्यू इंक्रीज करनी है। ठीक है, तो ये सब कैसे कर सकते हैं, आप फंक्शन से इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, टू डू समथिंग, और ये जो है इसका नाम, ये भी इसका नाम है। ठीक है, तो फंक्शन का जैसे हमने यहाँ पे नाम दिया था इंक्रीज स्कोर इंक्रीज या हाईलाइट या फिर इंक्रीज क्वेश्चन नंबर, उस तरह से हम यहाँ पे नाम डाल सकते हैं। ठीक है, कि और उस नाम को हम ऐसे नहीं कि ए बी सी डाल दें या एक्स वाई जी डाल दें, वैसे नहीं डालते हैं। तो फंक्शन का नाम होता है कि जो उसका काम से रिलेटेड, कि वो फंक्शन कर क्या रहा है। ठीक है, ताकि हम जब हम बाद में वो फंक्शन को एक दूसरे से कनेक्ट करें, इस तरह से जब हम जोड़ें एक दूसरे के साथ, तब हमको पता चले कि किस फंक्शन से हम कौन सा काम ले रहे हैं। ठीक है, और किसको किससे जोड़ना है। ठीक है, नहीं तो फिर अगर फंक्शन वन, फंक्शन टू, फंक्शन थ्री ऐसा नाम रखेंगे तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि वो कर क्या रहा है। ठीक है, और कोई भी दो फंक्शन की नाम से का नाम सेम नहीं रखना है। ठीक है, जैसे आप अगर नया फंक्शन भी बनाओगे और इसको सेम चीज़ ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर दोगे, तो ये देखो अपने आप ये नाम चेंज कर दे रहा है टू समथिंग टू, आप इसको फिर से समथिंग नहीं कर सकते, उससे थोड़ा प्रॉब्लम होता है बाद में। ठीक है, आपको इनिशियली भी वो करने नहीं देगा, तो इसीलिए हम फंक्शंस अलग अलग फंक्शन बनाएंगे, सब फंक्शंस का नाम भी अलग रखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम फंक्शन पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन मेरा क्या करेगा, इंक्रीज द
लेट्स से इंक्रीज स्कोर, लेट्स से ये फंक्शन मेरा स्कोर इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब ये फंक्शन स्कोर इंक्रीज कब करेगा, जब हम कुछ क्लिक करेंगे, सही ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सही ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो ये मेरा स्कोर इंक्रीज करेगा, अगर गलत ऑप्शन पे इंक्रीज पे क्लिक करेंगे तो स्कोर इंक्रीज नहीं करेगा। ओके, तो हमने फंक्शन ले लिया, उसका नाम, फंक्शन का नाम बना दिया कि फंक्शन इज कॉल्ड इंक्रीज स्कोर। ठीक है, अब हमको इस फंक्शन में ये स्कोर को कनेक्ट करना है। ठीक है, तो स्कोर की वैल्यू जो है चेंज होनी चाहिए, अभी स्कोर की वैल्यू क्या है, 0। अब जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है, और उसको कॉल कैसे करेंगे, बटन के क्लिक पे। ठीक है, हम बटन बनाएंगे, ये जब कोई भी बटन क्लिक होगा तो हम फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, तो इस फंक्शन को कॉल करेंगे टू इंक्रीज द स्कोर। अब स्कोर इंक्रीज कैसे करना है, तो हमको इस वेरिएबल का जो है एक्सेस चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्पेस है यहाँ पे, जिसमें यहाँ पे थोड़ा सा एक नॉच निकला हुआ है और बाकी स्पेस है। ठीक है, अब वेरिएबल पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ से हम सारे वेरिएबल्स एक्सेस कर सकते हैं। हमने दो वेरिएबल बनाया, एक वेरिएबल स्कोर है, एक वेरिएबल है क्वेश्चन नंबर। ठीक है, तो एक वेरिएबल हम वेरिएबल पे क्लिक करेंगे तो मुझे जो मैंने वेरिएबल्स बनाए हैं, जैसे कि ऐप वेरिएबल स्कोर, ऐप वेरिएबल क्वेश्चन नंबर, ये दोनों वेरिएबल मुझे दिख रहा है। ठीक है, अब ये दोनों वेरिएबल को हमको अभी एक्सेस नहीं करना है, वेरिएबल नहीं लेना है, बट इस वेरिएबल की वैल्यू को हमको चेंज करनी है। ठीक है, तो अब जैसे इसमें आप अगर आप देखो तो जैसे नॉच बना हुआ है, ऐसा इस शेप का हमको चाहिए। अगर आप पिक्टोरियल अगर आप समझना चाहो कि कौन सा हमको लेना है, अभी इस जगह पे कौन सा ब्लैंक फिल करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप अगर आप देखो ये दोनों पजल्स को देखो, ठीक है, ये दोनों पजल ब्लॉक को, तो यहाँ पे एक पजल जैसा बना हुआ है। ठीक है, अगर ये वाला अगर आप डिलीट करो, मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर ये आप डिलीट करो, ठीक है, तो यहाँ पे एक पजल जैसा गैप है। ठीक है, तो अब उसी तरह की चीज़ इसमें यहाँ पे फिल होगी, जैसे कि ये 1 है। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो यहाँ से भी कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके यहाँ से आप इसमें जब ड्रॉप करोगे तो ये अटैच हो जाएगा। ठीक है, इसको 0 कर दो वापस। ठीक है, तो उसी तरह का जैसे आप जैसा आप गैप रहेगा उसी तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करनी है। अभी जैसे टू इंक्रीज द स्कोर, ये मेरा फंक्शन है, तो अब स्कोर वेरिएबल को हम एक्सेस करेंगे, तो अब ये शेप जो है वो थोड़ा अलग दिख रहा है, तो इस शेप को हम यहाँ पे इस तरह का गैप में फिल करेंगे, बट अभी वो नहीं देखना है। जैसे इसमें ज़्यादा अप्रोप्रिएट ये लग रहा है ना, और ऑल्सो इसमें क्या हो रहा है कि सेट द ऐप वेरिएबल स्कोर टू समथिंग, ठीक है, या फिर चेंज द ऐप वेरिएबल स्कोर बाय 1। ठीक है, हमको सेट नहीं करना है, हमको बार बार उसको चेंज करना है, इंक्रीज करना है, स्कोर को इंक्रीज करना है, तो सेट भी कर सकते हैं या चेंज भी कर सकते हैं, तो हम चेंज करेंगे तो इसमें ज़्यादा बेटर रहेगा मेरा। ठीक है, तो सेट में हमको हर बार पता करना पड़ेगा कि अगर 0 है तो 1 करो, 1 है तो 2 करो, और फिर वो कंडीशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसकी बजाय हम यहाँ पे चेंज करेंगे, बस सिंपली इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो चेंज द ऐप वेरिएबल स्कोर बाई 1, तो इसको जब आप ड्रैग करके ड्रॉप करोगे तो यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप इस फंक्शन को कॉल करोगे तो चेंज द ऐप वेरिएबल स्कोर बाय 1, तो ऐप वेरिएबल का जो स्कोर है वो 0 से 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से हमको क्वेश्चन नंबर भी चेंज करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर भी चेंज करना है, तो इसके लिए हमको एक और फंक्शन भी हम बना सकते हैं, या तो चाहे तो सेम फंक्शन को भी हम कॉल कर सकते हैं। ठीक है, पर ये हम स्पेसिफिक बनाए इंक्रीज स्कोर के लिए, तो हमको इसको स्कोर के लिए रखना है। ठीक है, अब एक और फंक्शन अगर हम बनाना चाहें तो हम एक फंक्शन बना सकते हैं टू डू समथिंग। ठीक है, तो डू समथिंग यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर लें इसको, उसके बाद फिर इसमें भी ऐसे ही चेंज वेरिएबल, चेंज का कुछ एक्शन हमको लेना है। ठीक है, तो हम फिर से वेरिएबल, ये तो अब क्वेश्चन नंबर जो है वो भी एक वेरिएबल बना हुआ है, तो ये वेरिएबल को हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चेंज द ऐप वेरिएबल स्कोर बाय 1, जिसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ऐप वेरिएबल की जगह हम कुछ और भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐप वेरिएबल की जगह हम दूसरे वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकते हैं, तो हम जितना वेरिएबल बनाएंगे वो मेरा यहाँ पे ऑप्शन में आ जाएगा। तो इस सेकेंड वाले फंक्शन को हम पहले नाम नहीं दिए, तो इसको नाम दे देते हैं। ठीक है, टू इंक्रीज क्वेश्चन नंबर। ठीक है, तो अब चेंज द वेरिएबल क्वेश्चन नंबर बाय 1। ठीक है, तो दोनों फंक्शन सिमिलर टाइप का है, बट हम कॉल उसको अलग अलग टाइम पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा फंक्शन बन गया। अब फंक्शन को हमको कनेक्ट करना है बटन से। ठीक
कि जैसे मेरा ये बटन है, जब किसी बटन पे क्लिक होगा तो हम फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, तो अब एक सिंपल हम स्क्रीन बनाते हैं बस डेमो के लिए कि फंक्शन कॉल कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम इस बटन से वायरिंग करेंगे उसका। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल एक डेमो स्क्रीन बनाते हैं। ठीक है, जस्ट और इसका नाम हम दे देते हैं, चेंज कर देते हैं यहाँ से, दिस इज़ अ डेमो स्क्रीन। ठीक है, तो यहाँ पे बस हम एक सिंपल सा बटन बनाते हैं, इस बटन का हम नाम दे देते हैं से चेंज स्कोर। ठीक है, अभी के लिए इसको चेंज स्कोर रखते हैं, और इसी तरह का एक और बटन हम बनाते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दें, फिर इसको हम लिखते हैं लेट्स से इंस्टेड ऑफ चेंज स्कोर चेंज क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर मेरा चेंज करेगा। ठीक है, अब उसको हम डिस्प्ले भी करा लेते हैं, वो वेरिएबल्स को हम डिस्प्ले करा लेते हैं। ठीक है, तो उसको डिस्प्ले कराने के लिए हम लेबल बनाएंगे, और उस लेबल का वैल्यू हम कहाँ से सेट करेंगे, मेरा वेरिएबल से सेट करेंगे। ठीक है, तो दो दो लेबल हम बना लेते हैं, इस लेबल तो ये जो फर्स्ट लेबल है इसमें हम स्कोर दिखाएंगे, अच्छे स्कोर स्कोर। तो यहाँ पे हम इसका नाम रख देते हैं लेबल स्कोर वैल्यू। ठीक है, तो मेरा स्कोर का वैल्यू यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, और एक और लेबल हम बना लेते हैं यहाँ पे सेम टाइप का, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दो, तो ये स्कोर की जगह हम लिखेंगे ये क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर, लेट्स से अभी के लिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं। ठीक है, और इस तरह का सेम चीज़ हम कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर लेते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू हम अभी के लिए डिलीट कर देते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू जो हम वेरिएबल से पॉपुलेट करेंगे। इसका वैल्यू हम डिलीट कर देते हैं, इसका भी हम वेरिएबल से पॉपुलेट करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका वैल्यू जो है हम वेरिएबल से पॉपुलेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो अभी जैसे मेरे पास दो लेबल्स है, तो इसमें हम कुछ लॉजिक लिखना है ना हमको, तो फिर वापस से हम इसको ब्लॉक में आना पड़ेगा, तो हम ब्लॉक में आते हैं। और जब आप ब्लॉक में देखोगे तो ब्लॉक के अंदर जो सारे यूआई कंपोनेंट्स है वो यहाँ पे दिखा रहा है, यूआई कंपोनेंट्स में। तो डिज़ाइन में मेरा जो भी स्क्रीन्स है, जो भी स्क्रीन के अंदर जो बटन्स है, वो सारे चीज़ों को हम यहाँ से इस ब्लॉक के अंदर यूआई कंपोनेंट से एक्सेस कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बट अभी जैसे नेमिंग कन्वेंशन देखो मेरा बहुत ही गंदा है, तो इसमें हमको समझ नहीं आ रहा है कौन सा लेबल क्या डिनोट कर रहा है, या कौन सा लेबल का हम कौन सा लेबल पे क्या रखेंगे। ठीक है, तो अगर आप डेमो स्क्रीन पे क्लिक करके रखोगे तो डेमो स्क्रीन के जो कंपोनेंट्स है वो यहाँ पे दिखाएंगे, अगर आप स्क्रीन वन पे क्लिक करोगे तो स्क्रीन वन के जो कंपोनेंट्स है वो यहाँ पे दिखाएगा, बटन वन बटन टू बटन थ्री बटन फोर और मेरा जो लेबल था, तो इसमें भी लेबल वन लिखा हुआ है, तो ये अच्छा कन्वेंशन नहीं है। ठीक है, तो हम इसको पहले अच्छे से नेमिंग देते हैं। ठीक है, जैसे सेकेंड स्क्रीन पे आते हैं और ये स्कोर है, हम इसका नाम सही कर देते हैं, तो इसका जो लेबल है लेबल टू की जगह हम इसको लेबल स्कोर कर देते, ताकि हमको पता चले ये स्कोर का लेबल है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर, तो इसको हम क्वेश्चन नंबर लेबल कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर। ठीक है, अब इन सारे, तो ये मेरा स्कोर लेबल स्कोर का वैल्यू है यहाँ पे स्टोर होगा, क्वेश्चन नंबर का वैल्यू हम यहाँ पे स्टोर करेंगे, तो वैल्यू वन की जगह हटा के लेबल। ठीक है,
क्वेश्चन वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, सो दिस इज ओके। अब अगर हम ओके और हमारा बटन का भी नाम सही नहीं होगा, तो बटन 5 है और बटन कुछ और होगा, तो बटन चेंज स्कोर कर देते हैं इसको, और इस बटन को बटन 6 है तो ये बटन चेंज क्वेश्चन कर देते हैं, ठीक है, तो हमको पता चले कि ये बटन कर क्या रहा है। ओके अब अगर हम ब्लॉक में आएंगे और हम डेमो स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, तो अब हमको पता चल रहा है कि ये बटन कौन कौन सा बटन है, ये बटन चेंज स्कोर का है, ये बटन चेंज क्वेश्चन का है, ठीक है, और ये जो लेबल है, ये लेबल का क्या है, क्वेश्चन वैल्यू है, ये लेबल जो है स्कोर वैल्यू है, ये लेबल आपका क्वेश्चन नंबर है, ठीक है, तो ये लेबल पे हम अभी ध्यान नहीं देंगे, ये दोनों लेबल पे क्वेश्चन नंबर और लेबल स्कोर पे, क्योंकि ये दोनों लेबल जो है बस सिर्फ बताने के लिए कि इस बॉक्स में क्या है, और ये बताने के लिए कि इस बॉक्स में क्या है, ठीक है, तो ये दोनों लेबल को अभी आप इग्नोर कर दीजिए। तो इसका जो वैल्यू वाला जो लेबल है उसका वैल्यू हम चेंज करेंगे, ठीक है, ओके। अभी जब आप उस लेबल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो लेबल की वैल्यू हम सेट कर सकते हैं, है ना, सेट समथिंग, सेट द लेबल टेक्स्ट टू समथिंग, तो बट लेबल का टेक्स्ट हमको चेंज नहीं करना है, सेट द लेबल, हाँ करेक्ट, सेट लेबल का टेक्स्ट हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, तो बट अभी हम इसको नहीं लेते हैं, क्योंकि इस लेबल पे देखो, ठीक है, इसकी टेक्स्ट की वैल्यू हम कुछ चेंज कर सकते हैं, ये जो यहाँ पे है यहाँ पे हम वेरिएबल असाइन कर सकते हैं, ठीक है, सेट द लेबल क्वेश्चन वैल्यू, और ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू हम चेंज करते हैं, ठीक है, बट ये ऐसे नहीं होगा, इसको हमको फंक्शन में डालना पड़ेगा, ठीक है, इसको हम डिलीट कर देते हैं अभी के लिए। तो अभी जैसे वेरिएबल की वैल्यूज हमको सेट करनी है, तो उसका कुछ इनिशियल वैल्यू हम पहले देंगे, ठीक है, इनिशियल वैल्यू हमको देना पड़ता है, जैसे कि हमने वेरिएबल तो बना लिया, उसको इनिशियलाइज भी कर लिया, बट वो इनिशियलाइज जो है वो लोड कब होगा, ठीक है, तो जैसे मान लो मेरा यूज़र जो है अगर डेमो स्क्रीन पे आता है, ठीक है, अगर मेरा डेमो स्क्रीन पे ओपन होता है, जैसे यूज़र मेरा डेमो स्क्रीन देख रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे मुझे ये दोनों वैल्यूज़ को, इनिशियल वैल्यूज़ को लोड करनी है, ठीक है, तो इसीलिए जब हम आप ब्लॉक पे जाओगे, तो यहाँ पे जब आप डेमो स्क्रीन पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे एक फंक्शन है, ठीक है, जो इनिशियल फंक्शन है, ये अपने आप कॉल होता है, ठीक है, तो व्हेन द डेमो स्क्रीन ओपन्स, जब डेमो स्क्रीन ओपन हो रहा है तब मुझे कुछ करना है, ठीक है, तब मुझे वो वेरिएबल का वैल्यू यहाँ पे सेट करना है, या फिर टेक्स्ट का वैल्यू वो वेरिएबल के बराबर सेट करना है, ठीक है, तो जब मेरा डेमो स्क्रीन ओपन होता है, डेमो स्क्रीन इज अ सेकेंड स्क्रीन जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो डेमो स्क्रीन मेरा जब ओपन होगा तब देन डू समथिंग, ठीक है, ये डू समथिंग में क्या होगा, ये डू समथिंग में हम लोग वेरिएबल का वैल्यू सेट करेंगे, लेट्स से क्वेश्चन का वैल्यू हम लोग सेट करेंगे, तो सेट द लेबल क्वेश्चन वैल्यू टेक्स्ट टू समथिंग, ठीक है, तो इसको हम लोग ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। अब इस पार्ट में ये तो जब भी डेमो स्क्रीन ओपन होगा तब ये लेबल का जो क्वेश्चन वैल्यू है, यानी जो मेरा ये क्वेश्चन नंबर है, इसका लेबल क्वेश्चन वैल्यू, ये वाला नाम है इसका ना, तो जब भी मेरा इनिशियलाइज होगा तब सेट द लेबल क्वेश्चन वैल्यू टू समथिंग, ठीक है, ठीक है। अब इसको हम सेट कैसे करेंगे, अब मेरे पास वेरिएबल्स है, ठीक है, वेरिएबल में मेरी वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू, ठीक है, इनिशियल वैल्यू हमने ऑलरेडी सेट कर दिया, तो ऐप वेरिएबल स्कोर, या ये मेरा ऐप क्वेश्चन नंबर वाला वेरिएबल को हम यहाँ से ड्रैग करेंगे और ड्रॉप कर देंगे, तो इनिशियली जो भी मेरा वैल्यू था, इनिशियली मैंने वैल्यू क्या बनाई थी, वेरिएबल की वैल्यू जीरो दी थी, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर की वैल्यू मैंने, स्कोर की वैल्यू जीरो थी बट क्वेश्चन नंबर की वैल्यू वन थी, ठीक है, तो ऐप वेरिएबल क्वेश्चन नंबर जो हमने वेरिएबल बनाया है उसका इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू जो है हमने वन रखा था, ठीक है, तो वो वन सेट हो जाएगा, और उसके साथ साथ हम ये भी करेंगे कि ये जो डेमो स्क्रीन में मेरा दूसरा लेबल है उसको भी हम सेट कर देंगे, ठीक है, सेट द लेबल क्वेश्चन वैल्यू तो हम सेट कर रहे हैं, उसके बाद फिर ये स्कोर वैल्यू को भी हम जीरो से सेट करते हैं, जो कि हमने वेरिएबल में ऑलरेडी स्टोर करके रखा हुआ है, ठीक है, तो अभी एक एक्शन हो गया, उसके बाद फिर से हम ये स्कोर वैल्यू वाला लेबल पे क्लिक करेंगे, तो सेट द लेबल स्कोर वैल्यू
टू समथिंग एल्स। अब जैसे हमने इस इनिशियल फंक्शन पे एक एक्शन रखा है कि ये वैल्यू सेट कर दो, अब इसमें दो तीन एक्शन साथ में भी हम रख सकते हैं, ठीक है, हम चाहें तो। अब जब से हम स्कोर वाले पे लेबल पे क्लिक करते हैं और सेट दिस वैल्यू टेक्स्ट टू समथिंग, तो सेट द लेबल स्कोर वैल्यू टू समथिंग, ये ब्लैंक है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको जो है हम वेरिएबल से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल स्कोर का है, एक क्वेश्चन नंबर का है। तो अब स्कोर वाला वेरिएबल हम यहाँ से उठा के यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। तो जब भी मेरा डेमो स्क्रीन लोड होगा तो ये दोनों काम हो जाएगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, ऐप का वेरिएबल का क्वेश्चन नंबर जो है वो लेबल के क्वेश्चन वैल्यू में आ जाएगा, यानी ये जो लेबल मेरा है इस लेबल पे स्कोर वाला वेरिएबल का वैल्यू आ जाएगा जो कि 0 रहेगा स्कोर इनिशियली, और ये वाले लेबल पे मेरा क्वेश्चन नंबर का वैल्यू आ जाएगा जो कि 1 रहेगा, ठीक है। अब हम इसको प्रीव्यू करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं, तो हम सबसे पहले प्रीव्यू करते हैं इसको, ठीक है। अब जैसे ये वैल्यू जो है 0 है और 1 है, ये दोनों मेरा डिस्प्ले हो रहा है, बट मैंने कोई भी वैल्यू जो है यहाँ पे ऊपर से सेट नहीं किए, ये मेरा ऑल बैकएंड से आ रहा है, ब्लॉक में जो वेरिएबल्स है उससे वैल्यू आ रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर आप डिज़ाइन में देखो तो इसमें कोई वैल्यू मैंने सेट नहीं किए, एम्प्टी है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर का भी जो वैल्यू है वहाँ भी एम्प्टी है, ठीक है। तो मैंने वैल्यू यहाँ से सेट नहीं किए 0 और 1, तो ये जो है वो ब्लॉक मेरा एग्जीक्यूट हो रहा है, और ब्लॉक में जो ये जब भी ये फर्स्ट इनिशियल फंक्शन होता है, जैसे ही मेरा डेमो स्क्रीन लोड होगा उसी तरह से उसी टाइम मेरा ये दो काम हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन लेबल क्वेश्चन वैल्यू का सेट हो जाएगा मेरा वो वेरिएबल से क्वेश्चन नंबर में, जिसमें वेरिएबल मैंने 0 से इनिशियल 1 से इनिशियलाइज किया था, फिर स्कोर वाला वैल्यू वाला लेबल मेरा इनिशियलाइज हो जाएगा दूसरे वेरिएबल से, जिसको स्कोर वाला वेरिएबल है जिसका वैल्यू स्कोर इनिशियली 0 था, ठीक है। तो ये दोनों काम मेरा यहाँ से हो रहा है, ठीक है, जब आप प्रीव्यू कर रहे हो उसको। तो जैसे ही मेरा डेमो स्क्रीन लोड हो रहा है तो ये दोनों काम हो रहा है, जब हम स्क्रीन 1 लोड करेंगे तो वो काम नहीं होगा क्योंकि वो फंक्शन कॉल नहीं हो रहा है। डेमो स्क्रीन वाला जो फंक्शन है वो उसी टाइम कॉल होगा जब डेमो स्क्रीन लोड होगा, ठीक है। क्योंकि डिज़ाइन में अगर आप देखोगे ब्लॉक में क्या है, व्हेन द डेमो स्क्रीन ओपन्स, जब डेमो स्क्रीन ओपन होगा तब ये काम होगा, ठीक है, वो हर वक्त नहीं करेगा, जब डेमो स्क्रीन रहेगा तभी, ठीक है। तो वो यहाँ से हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं हम ये फंक्शन का वायरिंग कैसे करते हैं, मान लो हम अगर स्कोर चेंज करना चाहते हैं या क्वेश्चन नंबर चेंज करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, ठीक है, हम लोग वो देखते हैं, ठीक है। अब जैसे बटन में मैंने बताया था कि बटन में क्या होता है, बटन से आप कनेक्ट कर सकते हो, जैसे ये सारे बटन्स है, ठीक है, ये बटन नंबर 1 है, ये भी मेरा एक बटन रहेगा, ये एक और बटन रहेगा, 1 2 3 4, ठीक है, ये बटन्स रहेंगे। जब भी इन बटन पे क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन जो है, ये सारे फंक्शन मुझे कॉल करने हैं, ठीक है। बट अभी डेमो के लिए मैंने उतने सारे फंक्शन नहीं बनाए हैं, डेमो के लिए हम लोग के पास कितने फंक्शन है, देखिए तो हमने 2 फंक्शन बनाए, नहीं ये फंक्शन नहीं, ठीक है। तो ये फंक्शन मेरा इंक्रीज स्कोर करने का है और इंक्रीज द क्वेश्चन नंबर को इंक्रीज करने का है, ठीक है। बट ये एक्चुअली मुझे डेमो स्क्रीन वाले में चाहिए, तो हम इसको कॉपी करके यहाँ से पेस्ट करते हैं, हमको ये चाहिए, तो ये इस स्क्रीन पे मुझे ज़रूरत इसकी नहीं है, मुझे वो डेमो स्क्रीन पे ही चाहिए, ठीक है। तो 2 फंक्शन मेरे पास है, इंक्रीज स्कोर इंक्रीज द क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो वैल्यू को इंक्रीज कर देगा यहाँ से 1, यहाँ से भी इंक्रीज करेगा। अब इसको हम बटन से कैसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो जब मेरा ब्लॉक है और यहाँ पे बटन चेंज क्वेश्चन नंबर पे हम क्लिक करेंगे, तो व्हेन द बटन क्वेश्चन चेंज क्वेश्चन इज क्लिक्ड, ठीक है, देन यू डू समथिंग, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे यहाँ से ड्रैग करके, ड्रैग करके ऐसे ड्रॉप कर लें, ठीक है। तो व्हेन द बटन चेंज क्वेश्चन इज क्लिक्ड, ठीक है। अब इसके साथ क्लिक के साथ अलग भी और भी एक्शंस होते हैं जो कि अभी हम नहीं देखेंगे, लॉन्ग क्लिक या डबल क्लिक या टच, तो ये सब हम नहीं करेंगे अभी। अभी लेट्स से अगर बटन क्लिक हो रहा है तो हमको क्या करना है, इंक्रीज द स्कोर वाला फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। तो ये फंक्शन को हम ड्रैग करके इसके अंदर ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। बट इसमें ये नहीं कर रहा है, क्यों हम देखते हैं। तो अभी अगर आप नोटिस करो तो ये जो ब्लॉक है और इसमें जो ब्लैंक है, ये दोनों मैच नहीं कर रहा
है ना। पर ये जो चेंज ऐप वेरिएबल स्कोर बाई वन है, ये इससे मैच कर रहा है, ये इसका ब्लॉक जो है इससे मैच कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमको अलग से फंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी हम बटन पे चेक क्लिक करते हैं तो हमको ऑलरेडी वो एक्शन मिल जाता है, वो फंक्शन ऑलरेडी बना बनाया मुझे मिल जाता है। तो मुझे अलग से फंक्शन पे जाके फंक्शन पे ये करने की जरूरत नहीं है। हम इस फंक्शन से और दूसरे काम भी कर सकते हैं जो कि हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ से भी हम ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। तो जब बटन चेंज क्वेश्चन इज क्लिक्ड, देन यू चेंज द ऐप वेरिएबल स्कोर बाय वन, ठीक है। तो इसको भी हम के लिए डिलीट कर देते हैं, और उसी तरह से इसको भी हम सेम चीज़ को कॉपी कर लेते हैं, और इसको तो इसको हम दूसरा बटन के ऊपर वायर कर देते हैं। जब ये चेंज क्वेश्चन पे क्लिक होगा तो हम ऐप का वेरिएबल स्कोर को इंक्रीज कर देंगे, नहीं इसको हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। जब बटन चेंज क्वेश्चन पे क्लिक होगा तो क्वेश्चन नंबर को इंक्रीज करेंगे, और जब बटन चेंज स्कोर पे क्लिक होगा तब हम स्कोर को इंक्रीज कर देंगे। अभी के लिए हम इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं प्रीव्यू करके, ठीक है। तो जब मेरा ये ऐप प्रीव्यू हो गया और ये लोड जो हो रहा है वहाँ से हो रहा है, अब जब हम चेंज स्कोर पे क्लिक करेंगे तो मेरा ये काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसको हम लोग चेक करते हैं। तो इसको हम लोग फिक्स करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम दोनों चीज़ ऐड कर देंगे। जैसे कि जब सेट टेक्स्ट को भी हम सेट करेंगे और साथ साथ उस वैल्यू को भी हम इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो चेंज द ऐप वेरिएबल क्वेश्चन नंबर बाय वन, इसको हम लोग ऊपर रखते हैं, फिर सेट द टेक्स्ट टू ऐप वेरिएबल क्वेश्चन नंबर, ठीक है। जो हम इनिशियली काम कर रहे थे कि हम दोनों टेक्स्ट को इनिशियल वेरिएबल की वैल्यू हम रख रहे थे तो वो इंक्रीज नहीं हो रहा था क्योंकि वो इनिशियली वैल्यू रह रहा था, ठीक है। तो जब हम बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो हमको नंबर चेंज करना पड़ेगा और साथ साथ उसको सेट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो चेंज द ऐप वेरिएबल स्कोर बाय वन एंड ऑल्सो सेट द लेबल टेक्स्ट टू द वेरिएबल ऐप स्कोर, ठीक है। अब हम इसको प्रीव्यू करके देखते हैं, ओके। तो ये मेरा प्रीव्यू हो गया और ये इनिशियल वैल्यू जो मेरा वेरिएबल का था यहाँ से आ रहा है। अब जो हम चेंज स्कोर करेंगे, क्लिक करेंगे तो स्कोर की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है। फिर हम चेंज स्कोर करेंगे तो स्कोर बढ़ रहा है मेरा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर भी हम इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा बटन का जो है वायरिंग वो फंक्शन से हो गया, ठीक है। तो अभी के लिए हम इतना देखते हैं। अब इसका एक्चुअल जो डेमो हमारा जो यूज़ केस है वो हम फिर से देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप इतना समझ जाइए, फिर नेक्स्ट सेशन में हम आपको इसके आगे का बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।